आपके फोटो वीडियो डिलीट हो गए हैं तो कैसे वापस लाएंगे। बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ सर्च बॉक्स में आपको क्या डालना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे डालना है आपको फोटो PHO फोटो रिकवरी। ये देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया था, ये देखिए फोटो रिकवरी। तो यहाँ पे इसको कर देना है सर्च। सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ये रिकवरी वाले आ जाएंगे। तो ये ऐप्स बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको कौन सा बढ़िया ऐप चलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये वाला ऐप्स को डाउनलोड करना है। सबसे फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 10 मिलियन प्लस लोग यहाँ पे इसको डाउनलोड कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इसको कर लेंगे इंस्टॉल। तो सिंपल तरीका है, इसको करेंगे इंस्टॉल। तो इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे नेट स्लो नहीं चल रहा है, काफ़ी सही चल रहा है। तो ये देखिए इंस्टॉल बहुत जल्दी हो गया है, डाउनलोड हो गया है। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, ये एक पॉइंट आप समझेंगे तभी आप जो भी फोटो आपके डिलीट हुए हैं वो रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसको करेंगे बैक करने के बाद दोस्तों इसको करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ये वेट करना होगा, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऐड आ गया है, चलिए इसको हम इसको करेंगे कट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए सिस्टम जैसी भाषा आप जो भी भाषा रखना चाहते हैं, हिंदी वगैरह जो भी रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये सही का निशान आ रहा होगा, यहाँ पे आप कर देना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको स्टार्ट वाले बटन पर दबा के यहाँ से इसको करेंगे स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट हो चुका है, इसको यहाँ पर अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों अब क्या करना है कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्विक रिकवरी फ़ोटो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग क्विक रिकवरी फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे अलाउ कर देंगे। अलाउ करेंगे तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा, इसको क्या करेंगे अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्कैन आल फाइल या फिर स्कैन डिलीट फाइल। तो यहाँ पे हमें डिलीट वाले ही चाहिए, आल करेंगे तो सारी फाइलें स्कैन कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिलीट वाली को स्कैन करेंगे। अब जो भी हमने डिलीट किए हुए होंगे फ़ोटो को यहाँ पर फटाक से आ जाएंगे। अब जो भी आप यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने जो जो डिलीट किए थे फ़ोटो वगैरह वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने 4951 मैंने जो फ़ोटो वगैरह थे वो मतलब डिलीट किए थे। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और दो फोल्डर आ रहे हैं, यहाँ पर ऐड आ गया है। अब देखिए सो यहाँ पर हम लोग कर देंगे। अब इसमें से आपको कौन सा फ़ोटो चाहिए है तो उस पर बस आपको ऐसे टिक करना है, इस प्रकार से टिक करना है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिकवर। तो रिकवर पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका सीधे जो है वो गैलरी में फ़ोटो पहुँच जाएगा, जहाँ से आपने डिलीट किया होगा वहीं पर आपका ये फ़ोटो पहुँच जाएगा। इस तरह से आप आसानी से रिकवरी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा है। यदि आपका फ़ोटो डिलीट हो जाएगा तो आसानी से आप लोग रिकवरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।